आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे सन रिटेल लिमिटेड कंपनी के ऊपर, क्योंकि इस कंपनी के शेयर के भीतर पिछले एक महीने में लगभग 50% से ज्यादा का उछाल आया है और हर ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर ने अपर सर्किट ठोके हैं लगभग 4 से 5% के। तो रिटेल निवेशकों के मन में ये सवाल है कंपनी के डेटा को देखते हुए, क्योंकि कंपनी के राजस्व में, कंपनी के शुद्ध लाभ में, कंपनी की एसेट्स मैनेजमेंट में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। तो वो लोग ये कह रहे हैं रिटेल निवेशक कि भैया क्या इसके भीतर हम निवेश कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं सब चीजों पे हम लोग बात कर रहे होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लग जाए, बातें सही लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा आप लोगों के साथ कोई लाभ और हानि का रिश्ता नहीं है, भाईचारे का रिश्ता है जिसके नाते मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आप देखेंगे इस कंपनी को तो ये कमोडिटी ट्रेडिंग की कंपनी है, जहाँ पे तेल वगैरह का व्यापार करती है, सोने का और कॉफी वगैरह का, देश विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। कंपनी के भीतर पिछले कुछ टाइम में बढ़िया बल्क डीले हुई है। हाल फिलहाल में 5 जुलाई के दिन कंपनी के शेयर में बिकवाली हुई है। सारे डेटा अच्छे हैं, बावजूद इसके इस कंपनी के शेयर के भीतर प्रमोटर के स्टेक नहीं है, जो पहला रेड फ्लैग है। दूसरा रेड फ्लैग ये है कि हम रिटेल निवेशक जो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही है, लेकिन म्यूचुअल फंड हाउसेज, जो भी फंड हाउसेज हैं बड़े बड़े, जिनके पास हम लोगों से ज़्यादा सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के सोर्स होते हैं, उन लोगों को कोई अच्छी खबर नहीं मिली इस कंपनी से। उन्होंने कोई स्टेक बाय नहीं करा। इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कंपनी के मार्च 2024 क्वार्टर का रिजल्ट जब आया था, वहाँ पे कंपनी के जो डेटा देखने को मिले हैं, जहाँ पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज की गई है, वहाँ पे सिर्फ इसके भीतर रिटेल निवेशक दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रेड फ्लैग है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी रहेगी कंपनी के शेयर के भीतर। ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशनल रिजल्ट के दम पर यह कंपनी नहीं चल रही है, पहली सबसे जरूरी चीज़। और दूसरी जो सबसे जरूरी चीज़ ये है कि ऑपरेटर अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग ऑपरेटर करेंगे। तो आपका काम यह है कि ऑपरेटर की प्रॉफिट बुकिंग करने से पहले आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा इस कंपनी के भीतर, अगर आप स्टेक ले रहे हैं तो 5 से 8%, 10% का जब मुनाफा हो रहा है प्रॉफिट बुकिंग करके निकल लीजिए, उसके बाद देखिए क्या मोमेंट रह रहा है इसके भीतर, फिर आप उसके बाद बाइंग कीजिएगा। बाकी इस कंपनी के थोड़े डेटा को हम देखें तो आप पाएंगे कंपनी के जो एसेट्स मैनेजमेंट है वो काफ़ी तगड़े हुए हैं। इस कंपनी के भीतर लगातार कंपनी के संपत्तियों में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी की जो इंट्रेंसिक वैल्यू है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए, 7 रुपये प्रति शेयर पड़ रही है, और जो शेयर के भाव हैं वो ये हैं कि 1 रुपये 15 पैसे, तो डिस्काउंट में तो मिल रहा है। कंपनी के डेटा अच्छे हैं लेकिन बहुत सारे रेड फ्लैग्स भी हैं, तो आप उन सबको ध्यान में रखते हुए कोई भी निवेश निर्णय लीजिएगा। एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श ले लीजिएगा। सिर्फ वीडियो देख के, सिर्फ न्यूज आर्टिकल्स पढ़ के किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।